नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं पूजा। 31 दिसंबर के जश्न में डूबे होटल संचालकों ने चंद रुपयों के लाभ के लिए प्रशासन के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का खुला उल्लंघन किया। जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासनिक अमले ने छापामार कार्रवाई की तो होटल संचालक ने लिफ्ट बंद कर दी, जिसके बाद पूरा प्रशासनिक अमला सीढ़ियों से चढ़कर होटल में पहुंचा, जहां लगभग 300 लोग एकत्र थे। बताया जाता है कि जिस समय टीम पहुंची उस समय खाना खाया जा रहा था। होटल संचालक प्रशासन से उलझ गया और राजनीतिक दोष दिखाने लगा और मौजूद अधिकारियों से जमकर नोकझोंक भी की। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ही होटल संचालक को जहां जमकर फटकार लगाई गई, वहां कार्रवाई के लिए निर्देशित भी किया गया है। दरअसल मामला गायत्री मंदिर रोड में संचालित द हाई ट्राइब रेस्टोरेंट का है, जहां विगत दिनों पुलिस प्रशासन ने अवैध रूप से संचालित हुक्का जब्त किया था। जानकारी के अनुसार एसडीएम, तहसीलदार और दोनों सीएसपी के नेतृत्व में प्रशासनिक अमले ने 10:30 बजे करीब छापामार कार्रवाई की। इस दौरान लगभग 300 लोग होटल में मौजूद थे, जबकि प्रशासन ने एक दिन पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि सभी होटल और बार संचालक 10:30 बजे तक कार्यक्रम को समाप्त कर देंगे, जिससे लोग 11 बजे तक अपने घर पहुंच जाएं। आपको बता दें कि 11 बजे से नाइट कर्फ्यू लगे होने के चलते पहले ही प्रशासन ने सचेत कर दिया था, लेकिन होटल संचालक के द्वारा 10:30 बजे 300 लोगों को भोजन करवाया जा रहा था। संभव ही नहीं है कि 10:30 बजे से भोजन शुरू हो और लोग 11 बजे अपने घरों में पहुंच जाएं। बताया जा रहा है कि प्रशासन होटल संचालक के खिलाफ गाइडलाइन के उल्लंघन करने का मामला पंजीबद्ध करेगा और होटल संचालक के खिलाफ होटल को सील करने की भी कार्रवाई की जा सकती है। और खबर के अंत में विराट 24 की टीम से सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया वर्ष आपके लिए सुख समृद्धि और स्वास्थ्य लेकर आए। नमस्कार। खुल गया, खुल गया, खुल गया। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।